नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी आगर मालवा की, जहां कलेक्टर ने तालाब और डैम का किया भ्रमण, गहरीकरण के लिए दिए निर्देश। साथ ही बात होगी बलिया की, जहां 1 जून को मतदान को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथ होंगी रवाना, और बताएंगे कि कैसे मथुरा में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के परसुखेड़ी, नानूखेड़ी तालाब व टिल्लर डैम का अधिकारियों के साथ भ्रमण किया। इस दौरान कलेक्टर ने तालाब की जलभराव क्षमता में वृद्धि के लिए नमामि गंगे अभियान अंतर्गत गहरीकरण करवाने के संबंध में चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी CH रामडे, उपयंत्री RC शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में यातायात थाना प्रभारी जगदीश यादव के द्वारा ऑटो यूनियन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त ऑटो यूनियन के सदस्यों की सूची को अपडेट कर समस्त ऑटो चालकों को नए शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व समस्त आवश्यक कागजात, जिसमें RC, बीमा, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट शामिल है, उनका पूर्ण करने की हिदायत दी गई। साथ ही यातायात थाना प्रभारी के द्वारा पुलिस मुख्यालय की PTRI संस्था द्वारा समय समय पर स्कूल वाहनों से संबंधित जारी किए गए निर्देशों से अवगत कराया गया। वहीं यूनियन के द्वारा भी नियम पूर्वक ना चलने वाले ऑटो चालकों का यूनियन से बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। यातायात थाना प्रभारी जगदीश यादव द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि 1 जून से नए ट्रैफिक नियम लागू होंगे, जिनका पालन नहीं करने पर वाहन चालकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। आगर मालवा से सीनियर संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया जिलाधिकारी कार्यालय पर चुनाव से संबंधित सामग्री का वितरण प्रारंभ हो गया है। इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीर बलिया जिलाधिकारी कार्यालय की है, जहां से चुनाव सामग्री की वितरण की जा रही है। पीठासीन अधिकारी की लंबी कतारें लगी हैं। कल 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीट पर मतदान होगा। बलिया में इसकी तैयारी होने लगी है। पीठासीन अधिकारी अपने साथ चुनाव सामग्री लेकर बूथ स्थल जाने को तैयार हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि बलिया में कुल 2,606 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। हर पोलिंग बूथ पर 4 कर्मचारी लगाए गए हैं, 182 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 25 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 10% अतिरिक्त कर्मचारी भी रखे गए हैं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत 1 जून को जनपद बलिया में मतदान होना है, और कल के मतदान के दृष्टिगत आज पार्टी रवाना हो रही है। जनपद बलिया में 2 स्थानों से पार्टी रवाना हो रही है। कलेक्ट्रेट परिसर से बलिया, फेफना और रसड़ा की पार्टी रवाना हो रही है, और मंडी स्थल से बांसडी, सिकंदरपुर, बेलथरा रोड और बैरिया की पार्टी रवाना हो रही है। सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं, और हमें उम्मीद है कि दोपहर तक पार्टी हमारी रवाना हो जाएगी, और इसके पश्चात अन्य जो तैयारियां हम पूर्ण करके कल मतदान कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। कितने पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जनपद में? 2606 पोलिंग बूथ है, और उन सभी के लिए हमने मतदान पार्टियां निर्धारित कर दी हैं। इसके अतिरिक्त 10% रिजर्व भी रखा है कि इन केस इमरजेंसी में कोई बदलने की आवश्यकता पड़ती है तो उसे बदला जा सकता है। हर पोलिंग पार्टी में 4 कर्मचारी लगाए गए हैं, रिजर्व में भी उसी तरीके से व्यवस्था की गई है, और इसके अतिरिक्त 182 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 25 जोनल मजिस्ट्रेट भी लगे हैं, और ये लोग आपस में सामंजस्य करके सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कराते हुए मतदान सकुशल संपन्न कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, जो मानक है, माननीय आयोग के कुछ मानक भी हैं, और सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगा हुआ है, कहीं किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी, और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई अव्यवस्था करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ भी जो आयोग के निर्देश हैं, जो विभिन्न धाराओं में उसके अंतर्गत कार्रवाई की। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। कटनी के दुर्गा चौक निवासी विशाल कोल के साथ जूहली निवासी दिव्यांश गर्ग, आयुष गर्ग पिता आलोक गर्ग ने मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित आदिवासी युवक
विशाल कोल जब नजदीकी थाना एनकेजे पहुंचा तो वहां से आज थाना माधवनगर भेज दिया गया। वहां अपनी पत्नी और मां के साथ युवक जब रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा तो वहां मौजूद उपनारायण गर्ग ने अनाप शनाप बोलकर दोनों पति पत्नी और मां को आजक थाना माधवनगर से भगा दिया और कहा कि यहां तुम लोगों की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, राजीनामा कर लो नहीं तो दर दर भटकते रहोगे। उसके बाद पीड़ित आदिवासी परिवार SP कार्यालय जहां पहुंचा, जहां उसने अपने साथ मारपीट और जान से मारने और गाली गलौच का आवेदन देकर अपराधी और बेइज्जती करने वाले पुलिसकर्मी के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की। जिला SP अभिजीत रंजन से निवेदन कर जिसमें आगे से किसी भी व्यक्ति के साथ आजक थाने में दुर्व्यवहार ना हो। क्या घटना हुई आपके साथ? 28 तारीख को मजबूरी मोड़ में गया, मेरे को गलत लोग के परिवार ने अभी ये पाके मेरे को अंदर डाल के बहुत मारा गया। इसके बाद मैं रात में थाने एनसीबी थाने गया रिपोर्ट डलवाने के लिए। इसके बाद दूध वाले के बाद रिपोर्ट लिखी गई और मेरी नहीं लिखी गई। आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? मेरी रिपोर्ट तो कोई इंचार्ज नहीं बैठा थी लिखने के लिए। मैं 2 घंटा एनसीबी थाने में बैठा था, मेरी कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। इसके बाद मैं कल सुबह आया, वहाँ भी गया तो इन लोग मेरा कंप्रोमाइज़ कराने के लिए SI दबाव बना दिए। कहाँ पर दबाव बनाया जा रहा था? माधव नगर आदिवासी है वहाँ बात भी। तो मैं अपनी बाइक को मम्मी को लेके आया, मम्मी को लाने के बाद और बाइक को लाया तो मेरे को जबरन मारा भी गया और अंदर भी, और मेरी बाइक से बदतमीजी से बात किए गए, मेरी बाइक को भी गाली दिए गया पुलिस वाले ने। तो वहाँ पर FIR लिखी गई जी? लिखी गई। इसके बाद आप कहाँ आए आज? इसके बाद मैं SP आया। अच्छा, क्या नाम है आपका? विशाल कोल। कटनी से सीनियर संवाददाता सुमित जायसवाल के साथ दिलीप निषाद की रिपोर्ट। महावन पुलिस शेरगढ़ पुलिस एवं SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में आज 31 मई को 25,000 रुपए के इनामी बदमाश मनोज उर्फ उत्तम पुत्र चंद्रभान निवासी मई थाना शेरगढ़ जिला मथुरा लूट बलात्कार के अभियोग में वांछित को मुठभेड़ के दौरान लूटे हुए सामान, एक अवैध तमंचा, कारतूस तथा चोरी की एक मोटरसाइकिल सहित जगदीशपुर अंडरपास यमुना एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि ये बदमाश अकेली सीधी साधी महिला को लिफ्ट देने के बहाने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर सुनसान स्थान पर ले जाकर जेवरात व रुपए लूट लेने तथा बलात्कार करने और धमकी देता था। पुलिस को इसकी बहुत समय से तलाश थी, जिस पर मथुरा पुलिस ने 25,000 रुपए के इनाम भी घोषित किया था, जो आज पुलिस और SOG टीम की संयुक्त कार्यवाही में पकड़ा गया है। आज महावन थाने की पुलिस, शेरगढ़ थाने की पुलिस तथा SOG टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी जब दिनांक 25 तारीख को महावन थाना क्षेत्र में एक वृद्धा के साथ 392 और 376 की वारदात हुई थी। उसका जो मेन एक्यूज था मनोज उत्तम, जो कि गांव मई थाना शेरगढ़ का रहने वाला था, उसको पुलिस टीम के द्वारा एक मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम को काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि वो इस एरिया में सक्रिय है। इस सूचना पे जगदीशपुर अंडरपास के पास आज पुलिस टीम के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस टीम ने उसको रुकने का इशारा किया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाब में फायरिंग करी गई, जिसमें कि 3 गोलियां उस बदमाश के पैर में, दोनों पैरों में लगी हैं। मौके से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद हुआ है। बदमाश को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस बदमाश के ऊपर पहले भी काफी मुकदमे थे तथा 25,000 रुपए का इनाम भी जिले से इसके ऊपर घोषित था। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से सीनियर संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।